हाय गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम वाईफाई कनेक्ट कराते हैं और वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है। जैसे हमने ये कनेक्ट देखिए, जैसे ही हमने स्टार्ट किया वाईफाई, तो यहाँ पे हमको बताएगा कि कितने वाईफाई आसपास में हॉटस्पॉट ऑन है, ठीक। और उनमें से हम जिसे चाहें कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक। जैसे इसे हम कनेक्ट करवा रहे हैं एडमिन नाम से जो है, तो एडमिन वाला बहुत समय ले रहा है, ठीक। उसी तरह से जब हम ये देखिए कैन नॉट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क बता रहा है, जब दूसरे में करते हैं तो ये पासवर्ड मांगने लगता है, ठीक। तीसरे में करते हैं तो तीसरा भी पासवर्ड मांगने लगता है, लेकिन ऐसा कब होता है? रेयर केस होता है जबकि ये कैन नॉट कनेक्ट बता देता है, मतलब कनेक्ट ही नहीं होता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और कैसे ये प्रॉब्लम क्यों आती है, तो इसके बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे। तो इसका प्रॉब्लम मेन क्या होता है कि जब हम कोई एक बार वाईफाई कनेक्ट करवा लेते हैं, ठीक, इसके बाद जब उसका पासवर्ड चेंज हो जाता है, ठीक, और हम इस वाईफाई को फॉरगेट नहीं करवाते हैं, तो ऐसी समस्या आती है कि हम उसे कनेक्ट करवाते हैं और कनेक्ट नहीं होता है, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे देखिए वाईफाई के ऊपर एक नेटवर्क सेटिंग दिखा रहा होगा आपको, ये यहाँ पे, उस पर हमको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज़ें आ जाती हैं जो वहाँ पे दिखाई दे रही थी, तो हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है दोस्तों कि इसको फॉरगेट किया जाए। और इसको फॉरगेट करने के लिए क्या होगा कि हमको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमको कहीं पे नहीं जाना है, सिर्फ हमको ये मैनेज वाईफाई सेटिंग पे जाना है। मैनेज वाईफाई सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे पेज को, यहाँ पे देखिए हमको कई सारे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब इसमें से जो भी हमारा नेटवर्क है जिसे हम फॉरगेट करना चाहें उसे हम फॉरगेट कर सकते हैं। देखिए शेयर और फॉरगेट, और ये शेयर फॉरगेट, हमको एडमिन को फॉरगेट करना है तो एडमिन को फॉरगेट कर देते हैं। और जैसे ही देखिए हमने फॉरगेट किया तो यहाँ से एडमिन गायब, एडमिन 203 है, एडमिन नहीं है, ठीक। अब हमको क्या करवाना है, एडमिन को फिर से कनेक्ट करवाना है, तो हम फिर वाईफाई पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए फिर एडमिन आ गया, एडमिन पर क्लिक करेंगे और कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करेंगे ये पासवर्ड मांगेगा आपसे, क्योंकि ये फॉरगेट हो चुका है, ये एक नया वाईफाई, एक नया नेटवर्क बन चुका है, ठीक। और जो नया नेटवर्क बनता है तो वो पासवर्ड मांगता है, तो जो हमने पासवर्ड दिया है वो हम पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं, ठीक। और जैसे ही हमारा पासवर्ड गया, हम इसे शेयर नेटवर्क विद माई कॉन्टेक्ट नेक्स्ट करते हैं। ये पूछेगा कि आप अलाउ करते हैं पीसी में ये नेटवर्क चलाने के लिए, तो आपको यस कर देना है, ठीक। जैसे यस करते हैं ये कनेक्ट हो गए, देखिए अब ये हमारा वाईफाई कनेक्ट है और कौन एडमिन है, ठीक। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब आती है दोस्तों कि जब हम वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो एक बार हमने उस नेटवर्क का यूज किया और उस वाईफाई यानी हॉटस्पॉट जो भी है उसका पासवर्ड चेंज हो जाता है उस वाईफाई का, और जब पासवर्ड चेंज हो जाता है तो फॉरगेट करने के लिए बोलता है कि आप इस नेटवर्क को फॉरगेट कर दीजिए क्योंकि इसका पासवर्ड चेंज हो चुका है। और हम यही चीज़ नहीं समझ पाते हैं तो उस पर जूझते रहते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। तो ये जो हमने स्टेप बताए हैं, इस स्टेप का आप यूज करेंगे मैनेज वाईफाई सेटिंग से, उसे कोई भी हो आप उसे फॉरगेट करेंगे तो फॉरगेट हो जाएगा। अब देखिए ये कनेक्ट होने के लिए फॉरगेट है, ये नया नेटवर्क है इसलिए ये पासवर्ड मांग रहा है, अगर पासवर्ड नहीं है तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट कनेक्ट है तो अब कनेक्ट करते रहिए, ये कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं दोस्तों कि हम कैसे क्या पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह के नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, और कमेंट में हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।